अभी जो आपने वीडियो देखा ना, वो मेरा एक सपना ही था, और सपना जो आज साकार हुआ है, आज कंप्लीट हुआ है, उस सपने के पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, और उससे भी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस है। कि अभी मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडियो है, लैपटॉप है, आईपैड है, आईफोन है, लेटेस्ट वाला माइक है, वो भी कॉर्डलेस, DSLR है जिसे मैं शूट कर पा रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग के डेज में तो ऐसा कुछ नहीं था। देख रहा ना कि पहली जो वीडियो मैंने शूट किया था ना, वो सिंपल एक वायर पे किया था, जो आप देख रहे हो एक नॉर्मल सी है, और मैंने पूरा का पूरा प्रिपरेशन जो है ना, नॉर्मल से दिखने वाले फोन से मैंने अपना पूरा करियर बनाया है, जो कि देख रहे हो। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि कल जो था ना, मेरा बहुत ही साधारण था, और कल मैंने एक सपने देखे थे, वो सपने आज साकार हुए। वो अकेले मेरी मेहनत नहीं है, आप लोगों की है। इसके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस फील्ड में जितने लोग आने वाले हैं ना, उनके लिए भी है, और जो आप काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। कहीं ना कहीं से एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मेहनत एक दिन की नहीं होती है। इसलिए आप सक्सेस जो है ना, सक्सेस के पीछे मत भागिए, आज के पीछे भागिए। आज जो आप कर रहे हो वही डिसाइड करेगा आपका फल। तो वैसे मैंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हमेशा ही सही डिसीजन ही लेता गया हूं मैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे करियर के मोड़ आए हैं मेरे पास, कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ थे जिसमें मैं जा सकता था, लेकिन एक एक करके मैं छोड़ता गया। सिचुएशन ऐसी आती गई जिससे मैं डिप्रेशन में जाने लगा, और उस टाइम पे अगर मेरा जो कॉन्शियस है वो काम नहीं करता, और जो एक डेडिकेशन जैसे कहते हैं ना, वो नहीं होता, तो शायद मैं आज नहीं होता आप लोगों के सामने स्केचबुक बाई अभिषेक नहीं होता। तो मैं हूँ अभिषेक, स्केचबुक बाई अभिषेक से, और मैं एक आर्ट यूट्यूबर हूँ आज। लेकिन उसके पीछे कल जो था ना, वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। और ये अभिषेक जो था वो कभी भी ऐसे यूट्यूबर नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने सपना देखा था कई सारी चीज़ें। पहला जो सपना था वो था एज ए क्रिकेटर बनना। तो गलियों में खेलते हुए, मोहल्ले में खेलते हुए मैं आगे बढ़ा और अपने शहर के लिए खेला, और जब शहर के लिए खेला तो मुझे लगा कि अब मैं देश के लिए भी खेल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं चला गया कोलकाता, कोलकाता जो कि एक फुटबॉल भूमि है और क्रिकेट भूमि है, वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और मेरे इंस्पिरेशन है राहुल द्रविड़। तो एक टाइम ऐसा है ना कि लोग मुझे जूनियर द्रविड़ के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि मेरे स्टांस, मेरी स्टाइल, सब कुछ राहुल द्रविड़ की तरह ही थी। लेकिन मेरी पहचान जो थी एक फील्डर के रूप में हुई, जो कि कहीं से भी कोई भी कैच पकड़ सकता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा था, और मेरा सिलेक्शन जो था साउथ अफ्रीका टूर के लिए हो गया अंडर 17। तो मेरे पांव जो थे वो धरती पे ही नहीं थे, एकदम बिल्कुल ही आसमान पे थे। लेकिन सब कुछ जैसा आप चाहो वैसा तो हो नहीं सकता, और वो सिचुएशन था जब मेडिकल इमरजेंसी थी जिससे मुझे क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। और मेरा एक सपना ही था अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं उनसे बाहर निकला और मैं लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में पहुंचा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की मैंने, लेकिन फिर से वही बात हुई कि मुझे ना वो किक नहीं मिल रही थी। वो एक मज़ा होता है ना, जो काम में आपको मज़ा आए, वो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। फिर वहाँ के टीचर्स ने बताया ना कि तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तो तुम फिल्म एंड एनिमेशन में क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने कहा साउंड्स गुड, बात तो अच्छी कह रहे हो। तो मैं पूरे इंडिया में घूमा, हर जगह गया, लेकिन मुझे पुणे में पसंद आया एक फिल्म एंड एनिमेशन कैंपस। और वहाँ पे जो स्टूडियो था ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला था, लोग वहाँ के बहुत अच्छे थे, टीचर्स अच्छे थे, सेंटर इतना ज़्यादा अच्छा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे लगा कि मैं अपने करियर के पड़ाव पे आ चुका हूँ, यही वो सपना है जो मैं देखा करता था। फिर मैं लग गया उसमें, पास आउट भी हुआ, अच्छा किया मैंने, जॉब भी लग गई मेरी, वो भी बैंगलोर में। और वो कंपनी भी ऐसी थी ना, जो कि एक ड्रीम कंपनी थी। उसके बारे में क्या बताऊँ आपको, कि जैसे ही मैंने स्टूडियो में एंटर किया ना, एक अलग सी वाइब्रेंस आई। अब मुझे
मेरे कान में आने लगा ना कि हाँ हाँ यही वो जगह है जहाँ तुम सोच रहे थे आने के लिए और यही तुम्हारा सपना है। सब कुछ ठीक चला था फिर भी, लेकिन एक होता है ना कि आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, मैं धीरे धीरे लगा ना मुझे कि मुझे ना इससे आगे जाना है, इससे आगे बढ़ना है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं रुक के काम कर सकता हूँ, मुझे ना और ज़्यादा कुछ अचीव करना था, तो इसके लिए मैं आ गया मुंबई, सपनों के शहर, अपने सपने को पूरा करने। और मेरी एक डीम कंपनी ही थी, उसका लोकेशन इतना अच्छा था, उसका जैसे कहते हैं ना वाइब्रेंस बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तो सपनों के शहर मुंबई में तो आ गया मैं सपने पूरे करने के लिए। और मेरे सपने हो भी रहे थे, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया ना जो लोगों का ड्रीम होता है ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, डिज्नी पिक्सार जैसे स्टूडियोज़ के काम मैंने किए। अब मुझे लगा कि हाँ ये वो जगह है, लेकिन कंपनी के गलत डिसीजन के कारण कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई, ऑलमोस्ट बंद हो गई, सारे एम्प्लॉयज बाहर आ गए, उनमें से मैं भी था। मेरी शादी होने वाली थी और उसी टाइम पे ना ऐसा डिसीजन आ गया कंपनी का कि चलो अब सबको बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो फेज़ जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाला था कि अब शादी होने वाली है और आपके जो पास ना जॉब भी नहीं है। फिर मैं मुंबई में ही रह के जॉब सर्च करने लगा और मेरी तलाश जो थी ना कुछ दिनों में ही पूरी हो गई, और वहाँ पे मैं ज्वाइन भी करने गया और वहाँ पे बताई गई कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जब मैंने फैसिलिटीज़ सुनी ना तो मुझे लगा कि ये तो सपनों से भी बड़ा कोई कंपनी है, क्योंकि वहाँ पे जो ना टाइमिंग थी इतनी अच्छी थी ना कि आप जाने का टाइम और आने का टाइम फिक्स था, आप उस टाइम पे आओगे, ओवर टाइम था, बोनस था, सारे फैसिलिटीज़ जो थे ना एक ड्रीम कंपनी में होनी चाहिए वो सारे थे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ना क्रिकेट भी था, तो मेरा जो सपना था ना वो यहाँ पे पूरा होने लगा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे फेस्टिवल इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता ना, जैसे एक महीने दो महीने बीते ना, तो पता चला कि ये जो कंपनी है ना ऊपर से जितनी ड्रीम कंपनी दिखती है, जितनी अच्छे से दिख रही ना, वो अंदर से बिल्कुल ही खोखली थी। खोखली मतलब अंदर कुछ था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ना एक ऐसा ओरम ही बना के रखा था, ऊपर से चीज़ें कैसे कहते कि साफ है, अंदर बिल्कुल ही गंदा, तो वैसा ही कुछ था वहाँ पे। और वहाँ पे ना धीरे धीरे वो रंग में आने लगे, उन्होंने ना सैलरी जो थी ना 3 महीने 4 महीने 5 महीने में एक सैलरी देते थे या कभी कभी आधी सैलरी देते थे। तो इस सिचुएशन में सोचो कि कैसे सर्वाइव करते थे हम लोग। लेकिन मैंने भी सोचा ना कि चलो मैं टाइम से आ रहा हूँ, एटलीस्ट फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, ये बड़ी बात है। तो मैंने ना सोचा कि ठीक है उसको कंटिन्यू करते हैं। इन सब के बीच में मैं अपने फ्रेंड से मिला, तो फ्रेंड ने बोला ना कि भाई देख सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, तुझे ना कुछ सेकेंड ओपिनियन लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो फिर बोला उसने कि चल देख तेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी आ गए हैं, तो बच्चों के वीडियो भी जो बनाता है तू, तो मोबाइल में क्यों रखता है, उसको ना पोस्ट किया कर, यूट्यूब पे डाल। तो उसने कई सारे यूट्यूबर के दिखाए, बोले कि देख लाखों करोड़ों कमाते हैं महीने के, तो तू भी कमा सकता। काम करने लगा मैं। स्टार्टिंग के डेज में ना बहुत मज़ा आने लगा कि चलो शूट कर रहे हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे पार्क के जो मैंने वीडियोस बनाए थे, इसके अलावा कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाए थे, तो मज़ा आ रहा था। लेकिन वो एक्साइटमेंट जो था ना धीरे धीरे डाउन होने लगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ जो थे ना वीडियोज़ के वो नीचे जाने लगे। तो वहाँ पे भी एक डिप्रेशन वाली हालत हो गई थी, क्योंकि ना सैलरी बिल्कुल ही आनी कम हो गई थी, लोन्स बढ़ गए थे, और लोन्स के अलावा क्रेडिट कार्ड के बिल जो थे वो भी बहुत ज़्यादा आने लगे थे। अब मेरी सिचुएशन इतनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरे एक और फ्रेंड जो कि एक कहते हैं ना कि आपको मझधार से निकालते, वो मेरा फ्रेंड आया। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला ना कि देख अगर मैं कुछ बोलूँगा ना तो हो सकता है तेरा दिल दुखेगा, लेकिन एक बात मैं ट्रुथ बता रहा हूँ, देख क्योंकि तू जो वीडियोस बना रहा है ना इंटरेस्ट तेरा है, बाकियों का इंटरेस्ट कैसे जगेगा, कैसे लोग देखेंगे। तो इसके लिए ना ऐसे वीडियोस बना जो बाकियों का इंटरेस्ट हो, वो लोग देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है तेरे पास जो तू बनाएगा और बाकी लोग देखेंगे। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट तो ड्राइंग में है, ड्राइंग के वीडियोस बना सकता हूँ मैं। मैंने कहा तो वही बनाना जो तेरा इंटरेस्ट है, जिसमें लोगों को सीखने को मिले। तो मैंने कहा बात तो सही है। उसमें एकदम पूरा पैक्ट हो गया था मैं, मुझे लगा था कि हाँ अब मुझे एक डिसीजन मिल गया है, एक मुझे टारगेट मिल गया है, मुझे वो अचीव करना है।
तो यहाँ पे ना स्टार्ट की मैंने R&D कि कौन है, क्या है, कौन महारथी है। उससे पहले बहुत सारे लोग थे यहाँ पे और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे थे। मैंने सोचा कि इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे धीरे धीरे लगा ना कि यहाँ पे ना पोर्ट्रेट सीनरी बस यही ज़्यादा कुछ बन रहा है। तो मैंने सोचा ना कि यहाँ पे लोग मिस कर रहे हैं वो है बेसिक्स, क्योंकि मुझे ना यूनिक वे में जाना है और बहुत जल्दी मुझे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए मैंने सोचा ना कि मैं एक अलग से रास्ता बनाता हूँ, और वो अलग सा रास्ता था बिगनर्स का। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक अगेन, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी पेंसिल स्केचिंग स्टार्ट की है, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि पेंसिल कितने तरीके की होती है, शेडिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं, और ये पेंसिल्स किधर अवेलेबल हैं। क्योंकि मैंने पूरी की पूरी जो अपने जो ट्यूटोरियल बनाए वो बिगनर्स के लिए बनाए, और कुछ समय बाद, कुछ 4-5 वीडियोस के बाद ना एक टाइम ऐसा आया जो कि एक ड्रीम टाइम होता है किसी के लिए भी, यूट्यूबर के लिए, क्योंकि उसका वीडियो जो है वो वायरल हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, एंड जो कि अब आपका भी हो चुका है, और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए। रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उनका रिक्वेस्ट ये है कि उनके बच्चे ज़्यादा टाइम स्कूल में रहते हैं और घर पर आने के बाद होमवर्क्स होते हैं, तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो स्केचिंग क्लासेस में जा सकें। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ ऐसा ट्यूटोरियल जो निकाले जिससे कि डे वन से क्या क्या करें और डे टू डे थ्री ऐसे कुछ ट्यूटोरियल्स बनाएं। बनाया तो बहुत सिंपल से था, उसके वर्डिंग्स मैंने कभी सोच के नहीं रखे थे, कभी लिख के नहीं रखा था, वो मेरे दिल से आए, मैंने वो सुना दिया, लोगों को बता दिया, और लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो धीरे धीरे वीडियो जो था ना वो वायरल होने लगा। अभी सोचो कि मेरे पास स्टूडियो नहीं था, मेरे पास एक कमरे का एक कोना था, वहाँ पे मैं बैठा, अपने विंडो के पास बैठा, नेचुरल लाइट से बनाया, कोई भी स्टूडियो लाइट नहीं था। वो धूप की रोशनी आई मेरे चेहरे पे पड़ी, और ये जो आप देख रहे हो एक बेसिक सा जो ये माइक्रोफोन है उससे मैंने शूट किया। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, वो नॉइज़ के साथ मैंने शूट किया पूरा वीडियो, और वो वायरल हुआ, जो कि मेरा एक माइलस्टोन था मेरे करियर का। उसके बाद मैं पीछे नहीं मुड़ा, धीरे धीरे करके मैं एक एक स्टेप जो था ना वो बढ़ता गया, और मैंने ना कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी, ना किसी यूट्यूबर के पास गया, ना किसी से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे चैनल पे जाओ उसको सब्सक्राइब करो, या फिर किसी से बोला कि आप प्लीज़ अपनी स्टोरी में डाल दो, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके लिए ये चीज़ें आप कभी नहीं करना, और मेरी स्टोरी का मोटो भी यही है कि आप लोग उससे कुछ सीखें। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं पहुँचा 1,000, 5,000, 10,000 तक मैंने कंप्लीट किए। लेकिन कहते ना कि हर चीज़ें हमेशा ही स्मूथ नहीं चलती हैं। फिर क्या हुआ कि मेरी हालत और ज़्यादा फिनंशियली ख़राब होने लगी। जिस कंपनी में काम करता था, मैं दिन भर वहाँ पे काम करता था, और रात को आने के बाद मैं YouTube के लिए काम करता था, अपने 8 वीडियोस बनाता था, यानी कि मैं ऑलमोस्ट 20 से 24 घंटे लगातार काम करता था। मेरी हेल्थ भी बिगड़ने लगी थी, और धीरे धीरे ऐसा लगा ना कि जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उससे पैसे आने लगभग बंद हो गए, और YouTube चैनल ओपन किया था उससे पैसे अभी आने गए। तो सिचुएशन मेरी जीने मरने वाली हो गई थी एकदम, और कहते ना कि अब मेरा डेडिकेशन भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं से बिखर रहा था। उस समय मेरे साथ जो दिया मेरी फैमिली ने दिया, पापा मम्मी ने दिया, और सबसे ज़्यादा जो दिया वो है दिव्या। दिव्या ने बोला ना कि चलो मैं काम कर रही हूँ ना, तो प्लीज़ तुम फोकस करो किसी एक चीज़ पे, या तो ऑफिस में काम करो जहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, और एक ऐसा करो जिसमें फ्यूचर तुम देख रहे हो, और फ्यूचर है या नहीं है वो तो समय ही बताएगा, तो दोनों में से डिसाइड करना कि आज तुमको जाना किसने। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही आसान, तो मैंने कहा कि मैं एज ए यूट्यूबर काम करूँगा और कंपनी में मैं रिज़ाइन कर दूँगा। तो नेक्स्ट डे गया मैं ऑफिस में और रिज़ाइन किया, और मैं बोला कि कल से नहीं। इतना बोलने के बाद ना मैंने डेडिकेशन जो था ना वो पूरा चार्ज था मेरा, और मैंने कंप्लीट किए 50,000 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो चैनल है स्केचबुक बाय अभिषेक, इसने अभी 50,000 मेंबर्स कंप्लीट किए हैं। अब इस फैमिली में 50,000 प्लस मेंबर्स हैं, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर मैंने कंप्लीट किया 50,000, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारा जो चैनल है वो 100 के कंप्लीट कर चुका है। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, वी डिड इट, हम लोगों ने कंप्लीट किया 300K सब्सक्राइबर्स, मींस 3,00,000 सब्सक्राइबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वो भी 2 साल के अंदर। एक चाहिए, वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच एवरीवन, 1,00,000 तो बनता है यार। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ गया ना जो कि कहते हैं कि कभी किसी के लाइफ में आना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे उसमें बेनिफिट थोड़ा मिला, क्योंकि सब लोग घर पे आ गए थे। घर पे इसलिए आ गए थे कि कोरोना फैल चुका था उस टाइम पे, और कोरोना इतना ज़्यादा फैला था कि सब जगह काम बंद हो गया था, लोग घर पे बैठ गए थे,
और वो कुछ ना कुछ करना चाहते, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे से सीखने के लिए। तो वहाँ पे मैंने एक अपना वेबसाइट चालू किया, वहाँ पे कोर्सेज इतने बिके कि जो मैं आपको क्या बताऊँ कि जो मैं 10 सालों में जितना मैंने अचीव किया था फिनेंशियली, वो मैंने 2 से 3 साल में अचीव कर लिया। तो मेरी जो थी गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी थी, सब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही थी। धीरे धीरे करके मैं अपने एक एक चीज़ें जोड़ने लगा। मैंने अपना नया लैपटॉप लिया, आईपैड लिया, इसके अलावा पूरा स्टूडियो बनाया। आप जो देख रहे हो एक लाइट जो है ना, एक्सपेंसिव लाइट है, DSLR है, ये सब जो लेटेस्ट आईफोन है, ये सब कैसे आए? सब यूट्यूब से आए। तो यहाँ तक जो था ना, मेरा सपोर्ट फैमिली का था, मेरी वाइफ का था, वो सपोर्ट मैं भूल नहीं सकता। और सबसे बड़े जो सपोर्ट किया वो आप लोगों ने किया। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये जो सपने हैं ना, सपने देखने बंद मत कीजिए। जिन जो लोग सपने देखते हैं एज ए यूट्यूबर बनने के लिए, तो प्लीज़ काम आज के लिए कीजिए। अगर आज काम करोगे तो कल आपका बहुत बेहतर होगा और सपने को आप पा सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें थी मैं आपको बताने वाला था कि जीरो से लेके हीरो तक, जीरो से लेके 1 मिलियन तक मैंने कैसे सफ़र तय किया, क्या क्या रुकावटें आई, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं और उस सिचुएशन से आपको निकलना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने फोकस कीजिए काम पे, नंबर्स पे कभी मत जाइए कि आज मेरा कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। बस काम करते रहो, कोई ना कोई आपका वीडियो एक वायरल ज़रूर होगा, जैसा मेरा हुआ था। और वो वीडियो आज भी वायरल है, लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। और ये जो माइलस्टोन है ना, वो एक सिंपल स्टेप है। अभी तो दौड़ना बाकी है, तो मैं दौड़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो प्लीज़ बने रहिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कहीं ना कहीं से आपको इंस्पायर किया है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक कर दोगे ना तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको पसंद आए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये जो पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रूप से, तब तक के लिए बाय।